आनंद मोहन की रिहाई को लेकर पूर्व सांसद लवली आनंद का छलका दर्द, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। सत्ता पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता, सभी आनंद मोहन की रिहाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में 29 जनवरी को पटना में होने वाली सिंह गर्जना रैली को स्थगित की गई। ऐसे में पूर्व सांसद लवली आनंद ने साफ तौर पर बिहार सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। पूर्व सांसद लवली आनंद ने बताया कि सरकार नहीं चाहती कि पटना में आनंद मोहन जी की रिहाई को लेकर कोई रैली हो। ऐसे में अब वर्चुअल के माध्यम से रैली की जाएगी और आनंद मोहन की रिहाई को लेकर आवाज बुलंद किया जाएगा। पूर्व सांसद लवली आनंद ने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। ऐसे में लवली आनंद ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर पलटवार करते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार कई बार उन्हें निर्दोष बताते हुए सार्वजनिक मंचों से उनकी रिहाई की घोषणा कर चुके हैं, उसके बावजूद ना तो अब तक आनंद मोहन जी की रिहाई हुई। ऐसे में 23 अप्रैल को आनंद मोहन की रिहाई को लेकर रैली निकाली जाएगी। इसमें 23 अप्रैल को रखा जाएगा तो ये और भी ज्यादा सफल होगी और सरकार के दबाने से नहीं दबेगी। अब तीन तरह से हम लोग का ये कार्यक्रम चल रहा है, कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट में भी हम काम हो रहा है और सड़क से लेके सदन तक। लोकतंत्र में जनता की अदालत ही सबसे बड़ी अदालत होती है। हम हर जगह हर मुकाम पर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और इस तरह से जो अन्यायपूर्ण रवैया है बिहार सरकार का आनंद मोहन जी के प्रति, ये लोगों में जो आक्रोश है ये और भी ज़्यादा बढ़ेगा। जब तक आनंद मोहन जी की रिहाई नहीं होगी तब तक कार्यक्रम चलते रहेगा। और तीन प्रमुख मांगे हैं हम लोग का, जो आप लोग जानते हैं कि एक महाराणा प्रताप का जो है स्टैचू, बिहार सरकार ने जो घोषणा किया था कि मुख्य चौराहे पर महाराणा प्रताप का अश्वारोही स्टैचू लगाया जाए, ये हम लोग की मांग है। दूसरा है कि एक पुण्यतिथि या जन्मतिथि के समय महाराणा प्रताप के वो एक दिन छुट्टी की घोषणा हो, जो सरकार ने, बिहार सरकार ने कभी घोषणा भी किया कि हम करेंगे लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। और तीसरा जो प्रमुख मांगे हैं कि आनंद मोहन जी की सम्मान बिहार सरकार नीतीश जी रिहाई करें, नहीं तो हमारा कार्यक्रम ये तो चलते ही रहेगा, लगातार चलेगा। लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ये बहुत ज़्यादा अन्याय की पराकाष्ठा हो गई और ये हमारा लगातार दबाने से लोगों का आक्रोश कम नहीं होगा और ज़्यादा फूटेगा और भी ज़्यादा बृहद पैमाने पर हमारा कार्यक्रम होगा। तो अभी लॉकडाउन जो बढ़ा है जिस तरह से, तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो हमारा लड़ाई जो है वो सुपौल से मोहनी हम लोग चलाने का काम करेंगे, क्योंकि सुपौल के जो मंत्री रह चुके हैं विजेंद्र यादव जी, तो इन लोगों का जिस तरह से इनने विधानसभा में झूठी दलील दी और लोगों को गुमराह करने का काम किया, तो हम लोग सुपौल के गांधी मैदान से चालू करके पटना के गांधी मैदान को भरने का हम लोग काम करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम सीएम आवास को भी घेरेंगे 23 अप्रैल को। नीतीश कुमार जी का जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि नालंदा के पहले नेता रह चुके थे, लेकिन मेरे पिता आनंद मोहन जी के संघर्षों के दम पे उन्हें बिहार भर में लोग जानने का काम किए, तो अब जिस तरह से उनके उत्थान का कारण आनंद मोहन जी बने थे उस तरह उनके पतन का भी कारण आनंद मोहन जी ही बने। जिला ब्यूरो शिव कुमार भगत की रिपोर्ट।